नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। कानपुर में जेल में कैदियों के खुलवाए गए बैंक अकाउंट, बनाए गए आधार कार्ड, कैदियों की मेहनत की कमाई अब सीधे खाते में पहुंचेगी। उन्नाव में बेजुबानों की प्यास बुझाएगा हिंदू जागरण मंच, अलग अलग बस्तियों में बेजुबानों के लिए नांद रखकर की जा रही गर्मी की व्यवस्था। सूरत में नाबालिग को जलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की लोकेशन सूरत में मिली, सुल्तानपुर से टीम रवाना हुई। सुल्तानपुर में लेखपाल पिता का बेटा पांचवे प्रयास में बना एसडीएम, प्राइवेट कंपनी में जॉब छोड़ दिल्ली से की तैयारी, 3 साल तक स्मार्टफोन का नहीं किया यूज। कानपुर देहात में किशोरी से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस 1 साल से कर रही थी तलाश, नाबालिग ने फांसी लगाकर दे दी थी जान। के थाना गंगा घाट का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, थाना गंगा घाट परिसर में सलामी गार्ड से सलामी ली गई। आगरा में सड़क में धंसा ईंटों से भरा ट्रक, बीजेपी नेता ने जल निगम पर लगाया सीवर लाइन में भ्रष्टाचार का आरोप, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। वाराणसी में नमामि गंगे की गंगा और गाय को सहजने की अपील, घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान, कहा दोनों भारतीय सभ्यता का संस्कृति के मूल। उन्नाव में शिक्षक शिक्षिका का चल रहा प्रेम प्रसंग, अभिभावकों ने सीएम पोर्टल पर करी शिकायत, लिखा स्कूल टाइम में घंटों गायब रहते, बच्चों पर पड़ा बुरा असर। पहले की देश सेवा, अब करेंगे जनता की सेवा, आगरा के जवान का नायब तहसीलदार के पद पर चयन, ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। बिजनौर में युवक का खून से लथपथ मिला शव, एक दिन पहले हो गया था लापता, शादियों में बनाता था खाना, सीसीटीवी तलाश रही पुलिस। भदोई में घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने दी जान, फंदे से लटका मिला शव, शराब पीने का था आदि, पत्नी से होता था विवाद। अमरोहा में अवैध प्लाटिंग को लेखपाल ने पैर से गिराया, बिना बुलडोजर के ही कार्यवाही, सरकारी जमीन पर की गई थी प्लाटिंग। गाजियाबाद में 24 घंटे में आए 48 कोरोना केस, मरीजों तीमारदारों को मास्क लगाना अनिवार्य, 11-12 अप्रैल को अस्पतालों में मॉक ड्रिल। मथुरा में 8 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या, घर से 500 मीटर दूर नाले में मिला शव, नमाज पढ़ाने ले जाता था मुनीम। बाड़मेल में 3 साल की बेटी और देवर संघ महिला का सुसाइड, तीनों घर में बनी पानी की टंकी में कूदे, चल रहा था प्रेम प्रसंग। हरियाणा सरकार राशन कार्ड मामले में बैकफुट पर, इनकम को लेकर कटे 2.30 लाख परिवारों के दोबारा बनाए, सीएम ने किया खुलासा।
खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का एनआरआई साथी गिरफ्तार। होशियारपुर से फरारी में मदद का शक, पुलिस ने 150 बस स्टैंड और 300 डेरे खंगाले। काशी महाकाल लोक के बाद अब देवभूमि कॉरिडोर द्वारका। गुजरात में जन्माष्टमी से शुरू होगा प्रोजेक्ट, भगवान कृष्ण की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनेगी। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर भड़के शांता कुमार, हिमाचल के पूर्व सीएम बोले, ऐसी शादी देश के लिए संकट, भारतीय संस्कृति और परंपरा पर कुठारघात है।